नमस्कार दर्शकों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम सारथी एक संवाद में। दोस्तों, भारत प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। अनेक महान आध्यात्मिक गुरु, उच्च कोटि के संत और समाज सुधारक इस देश में समय समय पर हुए। 19वीं शताब्दी में महान समाज सुधारकों में महर्षि दयानंद सरस्वती उन महान संतों में से अग्रणी हैं जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और विभिन्न प्रकार के अडंबरों का विरोध किया। आज महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन और उनके विचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री धर्मपाल आर्य जी। आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महासचिव श्री विनय आर्य जी। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, उनके जीवन में। दोस्तों, एक व्यक्ति का जन्म होता है लेकिन उस जन्म के बाद उसके विचार बहुत मायने रखते हैं। उन विचारों के द्वारा वह व्यक्ति एक महान व्यक्ति बनता है, एक महान संत बनता है। ऐसे क्या विचार थे, ऐसे क्या कारण रहे कि स्वामी दयानंद जो है उनका एक छोटे से समय के अंदर दुनिया में काफी नाम हुआ और उनके विचार जो है वो दुनिया को बदलने वाले विचार हुए। लोगों में बहुत सारे जो आडंबर थे उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आए। धर्मपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद के जन्म एक आम परिवार के अंदर हुआ, एक ऐसा परिवार जो एक हिंदू रीति रिवाज को, सनातन रीति रिवाज को मानता था, शिव की उपासना करता था। उनके जीवन में ऐसे कौन से कारण रहे कि वो एक समाज सुधारक के रूप में उभर के आए और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम आयु में लोग उनके जो विचार थे उनसे प्रभावित होने लगे, किस तरह से ये शुरुआत हुई? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद जब बचपन में मूलशंकर के रूप में थे, बालक का नाम उनका मूलशंकर था, बचपन में उनकी बहन की मृत्यु हुई। मृत्यु पर उनको बहन से बड़ा लगाव था। उनको लगा कि बहन कहाँ गई, तो सबने कहा कि इसकी मौत हो गई। तो उनको जन्म और मृत्यु की के बारे में एक जिज्ञासा पैदा हुई। वो भगवान के पास चली गई, जैसे आम भाषा में कह देते हैं। तो उनको मन में हुआ कि मुझे भगवान के बारे में जानकारी, मुझे भी वहाँ जाना है। इस प्रकार की भावना मन में आई और यहाँ से उनके जीवन में एक मोड़, एक ये बीज पनप गया और यहाँ से इस बीज को उन्होंने आगे बढ़ाते गए। उसके बाद उनके चाचा की मृत्यु हुई। उनके चाचा की मृत्यु पर फिर उनको वही शौक लगा और वही बात और बलवती हो गई। इन बातों को लेकर के वो ईश्वर की खोज में घर से बाहर निकल गए। उनके मन में उनके पिता ने, माता ने बहुत कोशिश की कि वो घर रहें और सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करें, लेकिन उन्होंने ईश्वर की खोज में घर छोड़ दिया। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, मूर्ति पूजा को लेकर स्वामी दयानंद ने काफी जो है, जिसे कह लीजिए, विरोध किया और लोगों को जो उस समय पाखंड हो रहे थे उनका विरोध किया। तो ये सब जो है इसका कारण क्या रहा? क्या वो तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि एक बच्चे के रूप में उन्होंने बहुत सारी चीजें बचपन में ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया, जो आपने बताया कि ईश्वर की खोज करी उसमें, क्योंकि मूर्ति को नहीं मान रहा था, उनका परिवार मूर्ति पूजक था और उन्होंने नहीं माना मूर्ति को ईश्वर, तो क्या वो शुरू से ही तार्किक बुद्धि के थे? नहीं, ये बात तो ठीक है कि वो शुरू से तार्किक बुद्धि के थे, लेकिन उन्होंने प्रारंभ से, जन्म से ही मूर्ति पूजा का खंडन प्रारंभ कर दिया था, ऐसा नहीं है। वो जब विद्या के क्षेत्र में आए, पढ़े और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, तब उनको यह लगा कि ये चीज तर्क की और वेद की आज्ञा के विपरीत है, इसलिए उन्होंने उसका खंडन किया। विनय जी, उनके जीवन में और कौन से ऐसे क्षण थे जहां उन्होंने दो, जिसे कह लीजिए, विचारधाराओं को, सनातन विचारधारा और एक अपनी जो गुरु की या अपनी जो विचारधारा था उसको जो है तोला और उसमें परिवर्तन लाए, वो चीजों को समाज के अंदर परिवर्तन के लिए सोचा कि हाँ ये चीज वास्तव में सही है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन के यदि हम उन पहलुओं पर थोड़ा सा दृष्टि बात करें, जिन पहलुओं के कारण हम ये कह सकते हैं कि वो अप्रतिम समाज सुधारक थे,
तो उसमें एक सबसे बड़ा पहलू निकल करके ये आएगा, उनकी तार्किक सोच और निस्वार्थ मानव सेवा की भावना। मानव सेवा अर्थात मानव को सत्य तक पहुंचा देना ही उसकी असली सेवा उन्होंने माना। जब तक झूठ और सच में सच क्या है झूठ क्या है नहीं पता लगेगा, तब तक व्यक्ति सच को कैसे मानेगा और झूठ को कैसे छोड़ेगा, ये उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण पहलू था जिसके कारण से वो समाज सुधारक कहलाए। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। क्या आप ये कहेंगे कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की? मैं ये निसंदेह कह सकता हूं कि न्यूटन ने वो खोज नहीं की। वो नियम तो पहले से ही विद्यमान था इस संसार में। न्यूटन से पहले भी अनेक लोग उसको देखते थे कि सेब गिर रहा है, सेब गिर रहे हैं, और सेब क्यों, सारे फल गिर रहे हैं। लेकिन न्यूटन ने यह कोशिश की कि भाई सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। इसलिए उसके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ। उस प्रश्न का उत्तर खोजने के क्रम में उसने एक ऐसे सिद्धांत को दुनिया को बता दिया जो उस समय तक लोगों को पता नहीं था। उस समय मतलब आधुनिक काल में नहीं पता था, प्राचीन काल में तो इस सिद्धांतों की पहले से खोज थी। तो मैं समझता न्यूटन ने कोई नई बात नहीं कही, न्यूटन ने वो बात कही जो उस समय का वैज्ञानिक जगत जिस प्रश्न को भूल चुका था, जिस उत्तर को भूल चुका था। ठीक इसी प्रकार से महर्षि दयानंद के जीवन पर भी हम दृष्टिपात करें तो ये पाएंगे कि महर्षि दयानंद ने अपने आप से किसी नई बात की खोज नहीं की। महर्षि दयानंद ने ठीक उसी सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए एक आह्वान किया जिसके आधार पर वो ये कहते थे कि मेरा देश विश्व का गुरु था। विश्व का गुरु होने के पीछे कारण यह था कि मेरे देश में ऐसी विद्याएं थी जिनको सीखने दुनिया आती थी। विद्याएं वो सीखने आती थी जो सत्य विद्याएं थी, सत्य विद्याएं वो थी जो वेद में वर्णित थी, वेद में वो वर्णन था जो ईश्वर मनुष्य को बताना चाहते हैं। और उन्होंने जब ये महसूस किया कि यदि वेद ईश्वर की आज्ञा है तो वर्तमान में जो प्रचलन में है बातें वो तो वेद की आज्ञाएं नहीं है, इसलिए उनके जीवन को जो सबसे बड़ी विशेषता थी सत्य को लागू करना, यानी वेद सत्य है, ईश्वर सत्य है, वेद के अंदर लिखा एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक सिद्धांत मनुष्य के लिए सत्य है। और उन्होंने इसी सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने के लिए जीवन में जो क्रम चलाया उसी के कारण से मैं समझता हूं कि वह महान समाज सुधारक की श्रेणी में आ पाए। और उस समय उन्होंने एक 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 बिंदु को छुआ। छूने का बिंदु क्या था? सबसे पहले उन्होंने यह महसूस किया कि आज के समय में भारत जो है और प्राचीन समय का भारत जो है उसमें अंतर क्या है। उन्होंने देख लिया कि आज के समय का जो दरिद्र भारत है, विच्छिन्न भारत है, दूसरे लोग हम पर शासन कर रहे हैं और हमें गुलामी का जीवन जी रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो गया, एकाएक नहीं हो गया, स्वयं नहीं हो गया, इसके पीछे अनेक कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपनी प्राचीन संपदा को, प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन विद्याओं को और प्राचीन रूप में हमारी जो एक सभ्यता थी, जो हमारी एक अपनी संपदा थी, उसको हमने भुला बैठे, उसको हम भूल बैठे और उसी के कारण से आज हमारा देश इस दारिद्रते के जीवन को जी रहा है। तो वापिस कैसे जाना होगा? उसी उच्च काल में। सीधा सा क्रम था कि उसी उच्च काल में जाने के लिए हमें उन्हीं मापदंडों का सहारा लेना पड़ेगा जिनमें हमारे प्राचीन महानुभाव लिया करते थे, चाहे वो ऋषि मुनि जो भी थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के सिद्धांतों का प्रतिपादित किया, जिन्होंने विज्ञान के अनेक अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन्होंने खगोल विद्या के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मैं समझता हूँ कि महर्षि दयानंद की जो देन थी आधुनिक समाज में, वर्तमान जीवन में और वर्तमान काल में, जिसको हम आधुनिक काल कह सकते हैं और एक पुनर्जागरण काल जिसको इतिहास की दृष्टि से कहा जाता है, महर्षि दयानंद की सोच थी तर्क की सोच। तर्क सत्य और असत्य को कसौटी पे कस करके देख करके जो सत्य हो उसको मान लेने की जो उनकी इच्छा थी, और मनुष्य को भी उन्होंने यही आह्वान किया कि तर्क पे कसें, सत्य और असत्य का फैसला करें और फिर सत्य को मान लें, असत्य को छोड़ दें। ये उनके जीवन का मूल था जिसके कारण से वो समाज सुधारक की श्रेणी में आ पाए। और ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने सारी दुनिया में एक जबरदस्त परिवर्तन का कार्य किया। तो विनय जी, आपके अनुसार जिस प्रकार से आपने बताया, आज के परिपेक्ष में अगर हम देखते हैं तो सत्य उसे माना जाता है कि अगर साइंस प्रूव करती है तो वो सत्य है, अगर वो साइंस प्रूव नहीं करती तो वो सत्य है। तो बिल्कुल उसी तरह से स्वामी दयानंद ने उस तरह उस समय में साइंस एक तरह से मानी। लेकिन इस सब को एक तरह से जानने के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता होती है कि सत्य ये है या सत्य है।
तो उस प्रकार के परीक्षण उन्होंने, कोई घटनाएं उनके जीवन में हुई होंगी कि किसी चीज को उन्होंने परीक्षण किया होगा पढ़ने में कि वेद सच हैं या वेद नहीं सच हैं। आज हम मानते हैं कि वेद एक सर्वसत्य विद्या है, सच है, तो उसको परीक्षण किया होगा। क्या उनके जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं आई? मैं आपको ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि स्वामी दयानंद के जीवन में ऐसी घटनाएं आई। उन्होंने पहले हठ योग पढ़ा, हठ योग सीखा, तो हठ योग सीखा तो उनको बहुत सी बातें जानकारी हुई। तो एक बार वो जंगलों में जा रहे थे, पर्वत पे, तो पर्वत पे उनको एक लाश मिल गई। तो उन्होंने उस लाश को काट करके जो चीज उसमें हठ योग में लिखी थी, वर्णित थी, उसको सबको परीक्षण किया कि ऐसे ऐसे है क्या, मनुष्य के शरीर में ऐसे होता है? तो उनको ये लगा कि ये तो गलत है। तो उन्होंने फिजिकली उस चीज को परीक्षण किया। ये उनके जीवन की एक अहम बात है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक चीज मैं आपको और निवेदन कर दूं, जो अभी आपने पीछे कहा कि सनातन के विरुद्ध या कोई, देखिए सनातन शब्द का अर्थ है जो हमेशा से चला आ रहा है। स्वामी दयानंद ने अपना कोई नया मत नहीं चलाया। स्वामी दयानंद ये बार बार कहते रहे कि ब्रह्मा से लेके जय मुनि मुनि पर्यंत ऋषियों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, मैं उन्हीं को बताता हूं, उसी को मानता हूं और उसी पर चलता हूं। ये उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मेरा कोई नवीन कल्पना या मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं। ये उनकी महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज जो उनको अलग करती है, जो उनके जीवन की विशेषता है विशेष रूप से, वो किसी चीज को बिना परखे नहीं मानते थे। हमारे महापुरुषों में भगवान बुद्ध भी हुए, लेकिन भगवान बुद्ध ने, आपके उनके जीवन को देखेंगे तो भगवान बुद्ध के जीवन में घटना आती है कि उन्होंने एक देखा, घटनाएं जो आती हैं, तो ये कैसे हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि ये वेद में लिखा। तो उन्होंने क्या कहा, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। स्वामी दयानंद में क्या अंतर था? उन्होंने कहा कि भाई वेद को देखूंगा। उन्होंने वेद को देखा, उनको लगा कि वेद में तो ऐसा नहीं लिखा। ये अंतर है। अभी हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी समय हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शकों आप लोग कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा जारी रहेगी। बहुत सारे हमारे को स्वामी दयानंद के जीवन से जुड़े ऐसे पहलुओं को आज जानने का मौका मिलेगा कि जिससे वो एक महान समाज सुधारक, महान संत बने, जिसके पीछे दुनिया चली। तो आप कहीं मत जाइए, हम लौट के आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सही राह का आरंभ कब हुआ? तो उसमें कहा जा सकता है कि जब वे अपने गुरुवर गुरु विरजानंद सरस्वती जी से मथुरा में मिले। उस समय तक उन्होंने कई स्थान जाकर के कुछ अध्ययन किया था। कहीं से योग सीखा, कहीं से ध्यान की विधियां सीखी, कहीं से हठ योग सीखा, कहीं से आसन सीखे, कहीं से कुछ और धर्म ग्रंथों की जानकारियां ली, बातें सीखी, किंतु उनके मन की संतुष्टि नहीं हो सकी थी, क्योंकि बातें आपस में क्लैश करती थी। कहीं ना कहीं इसकी कही गई बात ये काट देता था, उसकी कही गई बात इससे कट जाती थी, इस ग्रंथ में लिखी बात इस ग्रंथ से कटती थी, उस ग्रंथ में लिखी बात इस ग्रंथ से कटती थी। दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। आज हम चर्चा कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में। उनके जीवन में ऐसे कौन से पहलू थे, ऐसी कौन सी घटनाएं थी, और उनके जीवन के अंदर कौन से ऐसे कारण बने कि वो एक महान समाज सुधारक, एक महान ऋषि महापुरुष बने जिन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई। विनय जी, अभी हम आज चर्चा कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। हमने जाना कि वो एक तार्किक बुद्धि के व्यक्ति थे और साइंस की तरह वो हर चीज को परखते थे,
लेकिन ये सब जानने के लिए एक व्यक्ति को एक गुरु या एक मार्गदर्शक की भी आवश्यकता होती है, तो उनके जीवन के अंदर ऐसा कौन था जिसने उन्हें ये सब राह दिखाई कि आपको ऐसे करना है और ये सब करके आप एक, जिसे कह लीजिए, एक अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? अमित जी, छा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन, वैसे तो इतना विशाल जीवन है, इतना लंबा कार्यकाल है जीवन का, हर बात को इस रूप में देखा जाए तो उन्होंने हर जीवन के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखा। लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए कि उनके जीवन में एक सही राह का आरंभ कब हुआ, तो उसमें कहा जा सकता है कि जब वे अपने गुरुवर गुरु विरजानंद सरस्वती जी से मथुरा में मिले। उस समय तक उन्होंने कई स्थानों स्थान 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 जाकर के कुछ 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 अध्ययन किया था, कहीं से योग सीखा, कहीं से ध्यान की विधियां सीखी, कहीं से हठ योग सीखा, कहीं से आसन सीखे, कहीं से कुछ और धर्म ग्रंथों की जानकारियां ली, बातें सीखी, किंतु उनके मन की संतुष्टि नहीं हो सकी थी, क्योंकि बातें आपस में क्लैश करती थी। कहीं ना कहीं इसकी कही गई बात ये काट देता था, उसकी कही गई बात इससे कट जाती थी, इस ग्रंथ में लिखी बात इस ग्रंथ से कटती थी, उस ग्रंथ में लिखी बात इस ग्रंथ से कटती थी। उनको ये बात निश्चित थी कि सत्य तो एक होता है, यदि इस ग्रंथ में लिखा हुआ सत्य है या फिर इस ग्रंथ में लिखा हुआ सत्य है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इसको तोलने का मेरे पास तराजू कौन सा है, कि इन दोनों बातों में से सत्य क्या है, यह मैं तोलूं कैसे। इसकी जानकारी उनको गुरु विरजानंद जी के द्वार जाने से हुई, और वो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था जब वे गुरु विरजानंद सरस्वती जी से मथुरा में जाकर के मिले। मथुरा में गुरु विरजानंद जी, जो कि आर्ष पाठ विधि के यानी कि वेदों को पढ़ने की विद्या के धनी थे, और वे प्रज्ञा चक्षु थे, यानी जन्म से ही उनका, लगभग जन्म से कुछ समय बाद उनकी आंखें चली गई थी, लेकिन अंतर ज्ञान, अंदर का ज्ञान उनको कहीं, हो सकता है पूर्व जन्म का रहा हो और उनके अपने वर्तमान जीवन का भी, उनको भी ऐसे शिष्य की तलाश थी और गुरुवर दयानंद सरस्वती जी को भी ऐसे गुरु की तलाश थी। दोनों मिले, गुरु जी ने उनके बारे में जाना, और जानने के पश्चात उनकी शब्दावली, उनके शब्द को सुन करके तुरंत मन में विचार किया कि मुझे ऐसे ही शिष्य की आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि दयानंद, आज तक जो भी पढ़े हो सब कुछ यमुना में डाल करके आ जाओ, खाली हाथ आना, ताकि मैं तुम्हारे ज्ञान के इन चक्षुओं को ठीक ज्ञान के संपदा से भर सकूं। धन्य हो दयानंद, कहते गुरु भी, गुरु जी भला इतना सालों से मैं पढ़ा, ऐसे कैसे उसको छोड़ाऊं। लेकिन उनको ये लगा कि गुरु तो यही है जिसने मेरे को पढ़ लिया है, तभी तो मुझे कहा कि जो कुछ पढ़े उसको छोड़ कर क्या हो, नहीं तो कहते ठीक है आगे का मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उनको लगा कि मेरे लिए यही आदर्श गुरु हैं, उनको लगा यही मेरे लिए आदर्श शिष्य हैं, और गुरु गुरुवर के चरणों में रहकर लगभग 3 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात गुरु विरजानंद जी ने उनको एक ही बात को मुख्य आधार के रूप में बताया कि दयानंद, केवल वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं दुनिया के अंदर जिनको किसी भी चीज के सत्य और असत्य के निर्णय करने के लिए तराजू के रूप में लिया जा सकता है। ये मनुष्य कृत ग्रंथ नहीं है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त वे ज्ञान के आधार पर ऋषियों द्वारा संचयित मंत्रों का संग्रह है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए एक एक ज्ञान के एक एक क्षेत्र को पूरी तरह से आच्छादित करता है। इसलिए इसी को हमेशा एक पिलर की तरह, जिसको हम आधार की तरह से पकड़ करके रहना, कहीं पर भी जाओ इसका साथ मत छोड़ना, तुम्हें सत्य और असत्य में अंतर करने के लिए आपको देर नहीं लगेगी। और यही महर्षि दयानंद के जीवन की विशेषता रही कि महर्षि दयानंद ने जीवन के सत्य और असत्य के निर्णय करने के लिए वेद को आधार बनाया। इसी कारण से उनकी कही गई बात, क्योंकि वेद के आधार पर थी, कहीं भी तर्क के विपरीत ना निकली, कहीं भी विज्ञान के विपरीत ना निकली। अनेक विरोधियों ने उनकी बात को गलत सिद्ध करना चाहा, लेकिन वेद के आधार पर वो उनकी बात को गलत सिद्ध नहीं कर पाए, और ज्ञान और विज्ञान की जो भी कसौटियां रही हो, आज भी हो कल भी हो, वो वेद के विपरीत ना होने के कारण से ही महर्षि दयानंद की मान्यताओं की स्थापना पूरे देश और दुनिया में हो सकी। तो ये उनके गुरुजी का जो सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, उनके ऊपर उपकार था, उनके ऊपर उनका एक प्रेम का भाव था, ये उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। तो विनय जी, हम अगर जैसे ने जो आपकी जो ये घटना सुनी, इस घटना से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि एक तो शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो बहुत ही, उसको उन्होंने एक बहुत ही, जिसे कह लीजिए, प्यारे रूप से, जिसे कह लीजिए, अपने को पूरा समर्पित कर दिया अपने गुरु को, कि मेरे को गुरु को समर्पित करना है, सब चीज़ें को मेरे को दे देना है। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर चीज़ को तर्क के साथ तोलते थे,
तो क्या उनके मन में नहीं आया बिल्कुल भी कि ये गुरु क्या मेरे लिए सही है, इस तरह की चीजें? क्योंकि हमने अभी चर्चा में जाना कि वो हर चीज को तर्क से लेते थे कि वास्तव में ये है या नहीं है, इस तरह का क्या उन्होंने अपने गुरु के अंदर देखा कि वो उनको गुरु बनाया? देखिए, स्वामी दयानंद एक बड़ी सीधी सी बात है, किसी बर्तन में आप एक दूध लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ कुछ गंदगी लगी हुई है तो आप उसमें दूध डालते समय सोचते हैं। उनके गुरु ने क्या किया, उनसे पूछा भाई तुम क्या पढ़े हो, तो उन्होंने सब चीज़ें बताई कि मैं ये पढ़ा। तो गुरु ने ये कहा कि अगर तुमने ये चीज़ पढ़ी है तो अब जो तुम पढ़ना चाहते हो वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक इन चीज़ों को आप भूल नहीं जाएंगे। तो स्वामी दयानंद को ये लगा कि अगर ये गुरु इतनी बात कह रहा है, नहीं तो हर व्यक्ति कहता है यहाँ 8 के बाद 9 पढ़ो, गुरु ने कहा कि ये चीज गलत थी, इसको पढ़ना आपके लिए गलत था, इससे आप तर्क की सही कसौटी तक नहीं पहुंच सकोगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि मनुष्य की जो भी वाणी है, मनुष्य की जो भी भाषा है, जो भी बात है, वो परतः प्रमाण है, जिसको कहते हैं दूसरे पर डिपेंडेंट है। धर्मपाल जी, विनय जी, अभी हमने आप लोगों से जाना कि किस प्रकार से एक गुरु और शिष्य का संबंध उन्होंने बनाया, किस प्रकार से उन्होंने हर चीज को एक कसौटी पे तोला और ज्ञान प्राप्त किया। क्या उनका ज्ञान प्राप्त करने का जो, जिसे कह लीजिए एक, जिसे वो खत्म हो गया गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, वो बहुत सारी जगहों पे गए, बहुत सारे शास्त्रार्थ किए, उनका जो ज्ञान प्राप्त करने का क्या ढंग था जिससे कि वो एक असीम, जिसे कह लीजिए जो ज्ञान का भंडार बन गए, एक ऐसा समुद्र थे, एक ऐसा वो जिसे कह लीजिए लाइब्रेरी थे, जहाँ पे हर विषय के अंदर तर्क थे उनके पास, और उन्होंने बहुत सारी सभाएं की, बहुत बड़े कुंभ मेले में उन्होंने जो है अपना पूरा का पूरा वहाँ पे शास्त्रार्थ किया, जहाँ पे बहुत सारे हिंदू धर्म से जुड़े लोग थे। तो ऐसे क्या चीज़ें थी जिनको वो ग्रैब करते थे या अपने अंदर समाते थे, वो क्या चीज़ें, क्या उनका कारण रहता था, किस तरह से उनकी चीज़ थी वो अपने अंदर समा लेते थे और वो लोगों के तर्कों को काटते थे? महर्षि दयानंद के हृदय में जो बड़ी चीज़ थी वो थी सत्य की प्रस्थापना करने के लिए हर संभव यत्न करना। उदाहरण के लिए हम बच्चे का उदाहरण ले लेते हैं। परिवार में बालक है, विद्यालय जाना आरंभ हुआ, जाते समय उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मम्मी मुझे जल्दी उठाती हैं, सुबह सुबह उठा देती हैं, जल्दी से तैयार करके नहा के फटाफट कहती हैं जाओ, लेकिन पिता जानता है कि इसके लिए इस समय आलस का त्याग करके स्कूल जाना ही जरूरी है, उसको पीटता भी है, डांटता भी है, मारता भी है, समझाता भी है, लेकिन उसको स्कूल भेजता ही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी हम मानव जाति पर एक बहुत बड़ा उपकार इस रूप में किया कि विरोध होते हुए भी उन्होंने अपनी सत्य बात को कहना जारी रखा। इसके लिए उन्होंने दो बड़े मंच चुने। उन्होंने ओपन आह्वान किया कि मैं इस आधार को तर्क के साथ रखता हूं, यदि मेरी बात के विरोध में यदि कोई भी बात कहने वाले मनुष्य हो उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए चर्चा करें और जो सत्य सिद्ध हो जाए उसको माने। इसके लिए उन्होंने शास्त्रार्थों का उपयोग किया और शास्त्रार्थों में वेद सम्मत बातों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत किया। प्रसिद्ध है अनेक शास्त्रार्थ, चाहे वो काशी की भूमि हो जो विद्वानों की भूमि कहलाती थी। महर्षि दयानंद को लगा कि विद्वानों की भूमि से, उस पुण्य भूमि से यदि वेद की सही विचारधारा जानी दुनिया में आरंभ होगी तो एक बहुत ही जल्दी से सूर्य जैसा एक उजियारा प्रकाश कहेंगे वो हो जाएगा। तो उन्होंने काशी में ही जाकर के उन विद्वानों को चैलेंज किया कि वेद वो नहीं कहता जो आप प्रचारित करते हो, वेद ये कहता है जो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। लेकिन उनकी अपनी सत्ताएं थी, अपने स्वार्थ थे, दिक्कतें आई, लेकिन महर्षि दयानंद ने विरोध के बावजूद अपनी बात को कहना नहीं छोड़ा। उसी का परिणाम था कि जो लोग सुन लेते थे वो फिर स्वतः महर्षि दयानंद के अनुयायी बनते चले जाते थे। यही एक, जिसे कह लीजिए, एक मूल मंत्र था जो महर्षि दयानंद के बहुत ही कम समय, एक बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं था इस धरती पे हमारे साथ, लेकिन उसके अंदर भी दुनिया, अंग्रेज भी बहुत सारे उनके अनुयायी बने हैं, जो जैसे कि हमने जाना है उस समय के बहुत सारे लोग उनको मानते थे और बहुत सारे जो अन्य धर्मों के लोग थे वो भी उनके पीछे, उनकी शिक्षाओं पर चले। तो आपने जो बात बोली कि सत्य और सत्य को प्रूव करना, और वो भी
डंके की चोट पे प्रूव करना, एक ऐसा उनके व्यक्तित्व का एक रूप था, एक बहुत अमिंग अंग था जिससे कि लोग उनके साथ खींचे चले आते थे। अमित जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि शास्त्रार्थ शब्द के स्थान पर अगर हम इसको ये समझें कि संवाद, हम आपस में अगर आज हम दुनिया में देखते हैं कि अगर हम कटे हुए हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैं फलाने से नहीं बोलता, वो फलाना मुझसे नहीं बोलता। अगर हम आपस में संवाद करें तो महर्षि दयानंद के जीवन में संवाद जो है वो मुख्य रहा। संवाद, प्रश्नोत्तर, बातचीत, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप मुझसे प्रश्न पूछिए। मैं केवल ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं उसको मान लो, मैं ये तो कह रहा हूं कि मेरी बात ऐसी है, अगर आप इसको कोई शंका करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं तो मैं उसका उत्तर देने के लिए बाध्य हूं। मैं, स्वामी दयानंद ये नहीं कहते थे कि मैं जो कह रहा हूं उसको आंख मूंद करके मान लिया जाए, वो कहते थे कि मैं जो कह रहा हूं उस बात पर अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई वैज्ञानिक बात है तो आप मुझे करें। इसलिए स्वामी दयानंद विजयी हुए, स्वामी दयानंद का प्रभाव लोगों पर पड़ा, लोग बात करते थे, प्रश्न करते थे, डिबेट करते थे और उनको संतुष्टि होती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन तप और साधना पर आधारित रखा, उन्होंने वैदिक जीवन और धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हिंदू धर्म के उत्थान, उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए स्वामी जी के महत्वपूर्ण योगदान रहे। उन्होंने भारतीय जनमानस को जो है एक नई अलग जगाई, इसके लिए हमेशा भारत का जनमानस उनका ऋणी रहेगा। विनय जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, धर्मपाल जी आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और एक अनछुए पहलू जो महर्षि दयानंद के जीवन से जुड़े थे उनके बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगली बारी फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के ऊपर, हम जानेंगे आर्य समाज के बारे में और अन्य विषयों के बारे में, स्वामी दयानंद से जुड़े हुए उनके जीवन के बारे में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।